हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कुछ स्टिच करना चाह रही हूँ। ये सबसे पहले है फिश बोन स्टिच, से मैं आपको ये पत्तियाँ बनाना बताऊँगी। ये हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करना है और फिर हमने इसको यहाँ से दरमियान से के बाद इसको हमने यहाँ से शुरू करना है और ये फिश बोन स्टिच और भी कई तरीक़ों से बनता है, लेकिन ये बहुत इजी तरीका है। इससे सफाई आती है। ये 6 थ्रेड मैंने लिए हैं और इसको आप इस तरह बनाएंगे। इसको साथ साथ लेते जाना है। एक दफ़ा ये नीचे से स्टिच लेंगे, एक दफ़ा ये ऊपर से लेंगे। ये अगर कपड़ों पे, अपने कमीज़ की शर्ट पे बनाना हो, किसी सिल्क पे, तो आप सिल्क के धागे यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी कुशन पे या पिलो कवर पे ये आपने कढ़ाई करनी हो, तो फिर आपको सूती धागे भी, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ज़्यादा पायदार और धुलने में भी आसानी रहती है। देखिए इस तरह ना, मैं आज आपको दो तरीके से फिश बोन सिखाऊंगी कि फिश बोन स्टिच कैसे बनता है। ये आपको मैं ट्विस्टेड चेन बनाने बता रही हूँ। ये फिश बोन है और ये ट्विस्टेड स्टिच। यहाँ से शुरू करके इसको साथ में ऐसे रखते हैं। ये इसको यहाँ से शुरू करना है, ऐसे निकाल, ठीक है। उससे उसके बाद इधर से शुरू करके ऐसे ऊपर से घुमा के धागा इस साथ पे ले आना है। फिर इसको ऊपर से घुमा के इस तरह, ये ट्विस्ट स्टिच है। इसकी आप डंडियाँ बना सकती हैं, फूल भी, फूलों पे भी शाही वगैरह सारी इस तरह बना लें। ये देखिए ऐसे शुरू करके इसको ऐसे ऊपर से घुमा के इस तरह,
अगर छूट जाए तो आप पकड़ सकते हैं। कितनी प्यारी चेन बन गई है इसकी, शाह खूबसूरत शाख बन जाती है। थोड़ी सी थी, मोटी सी लगती है और अच्छी लगती है, नमाया हो रही है। ये ट्विस्टेड स्टिच है, इसको हमने इधर खत्म कर दिया। अब आपको एक और तरीका बताती हूँ इसका, ये फिश बोन स्टिच। इसको इधर से ले लिया और ये धागा इधर ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पे सुई निकाली और एक दफ़ा इधर से निकाल के इधर से ले लिया। फिर उसके बाद इधर से लगा के ऐसे ले आना, फिर इसको इधर रखना है, ये भी हमारा फिश बोन स्टिच है। ये देखिए ऐसे, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह बनेंगी। ये दरमियान में लाइन है, जिस साइड से हम इसको इस साइड को इधर लेके आएंगे तो इसी साइड से ऊपर लेके आना है। आप इधर इस साइड को इधर लेके आएंगे लाइन के इस साइड पे, तो इस साइड पे लेके आएंगे। ये देखिए बिल्कुल सेम उसी तरह ये बन रही है, तरीके अलग अलग हैं लेकिन सेम स्टिच हो रही है। मैंने दूसरे कलर से बना दिया इसलिए ताकि थोड़ा सा डिफरेंट आपको पता चले कि मैंने उस धागे से बनाया डिज़ाइन उस दूसरे स्टिच से, और ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। देखिए सेम बना है लेकिन तरीका थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल सेम लेकिन स्टिचेस थोड़ी डिफरेंट है। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, और ये देखिए ये डिज़ाइन है। थैंक
थैंक यू सो मच।